आपकी नज़ाकत देखने लगता है कि आप 40 साल के बाद को फ़ोन कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वैसे मैं तक कहना चाहूँगी कि 40 साल बाद मैं नहीं परफॉर्म कर रही हूँ, मैं बम्बई में ऑलमोस्ट 36-37 ईयर्स बाद परफॉर्म कर रही हूँ। मुंबई में ही मैं जब 18 साल की थी तो मुझे कथक प्रिंसेस का टाइटल सितारा जी ने दिया था, उसके बाद पंडिता का टाइटल मुझे हरिदास सम्मेलन के बाद मिला यहाँ पे, और उसके बाद मैं काफ़ी नाची हूँ दूसरी जगहों पे, बीच बीच में और भी हम लोग ब्रुनेई गए, काफ़ी जगहें नाची, लखनऊ, दिल्ली, लेकिन बॉम्बे में मैं इतने सालों बाद ज़रूर नाची हूँ। एंड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग गैप आई हैव कम बैक टू माई डांस थैंक्स टू माई गुरु पंडित बिरजू महाराज, जिनके आशीर्वाद और उनके सपोर्ट के बगैर ये होता ही। हो गया एक्चुअली, मैं थिएटर भी बहुत करती थी और साथ साथ महाराज जी से सीखती थी, उनके बैलेंस करती थी। उसके बाद बहुत छोटी उम्र में मैं सोलोइस्ट हो गई, 14.5 साल की उम्र में स्टैम्प पे आ गई, उसके बाद सोलोज ही सोलोज करती रही, तो थिएटर छूट गया। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि थोड़ा सा बीच में वक्फा मिला तो फिर वही तलाश किया, तो बहुत हिट हो गई मैं शहनाज में, फिर वही तलाश से शहनाज की जैसे बहुत फिल्में मिली, सलीम लगड़े पे, मतलब सड़क वगैरह वगैरह, तो अपने आप ही ये चीज़ें हुई, ऐसा नहीं कि मैंने सोच के किया। लेकिन आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं वापस अपने नृत्य के मंच पे नृत्य के रूप में कथक की सेवा करने के लिए, और कथक से एक बार फिर और हमेशा एक बार फिर क्या इबादत ही है, मोहब्बत ही है, इश्क ही रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और एक इंस्पिरेशन जानना चाहेंगे आपसे, जिससे आप कथक में आई, जिससे ये डांस आपने सीखा है आपके बिरजू महाराज, क्या उससे अलावा कोई इंस्पिरेशन रही है आपको? एक्चुअली मेरे इंस्पिरेशन हमेशा से और हमेशा ही पंडित बिरजू महाराज जी होंगे। मुझे बहुत सारे फॉर्म्स का शौक़ है, मैंने बेहतरीन डांसर्स को ज़िंदगी में देखा है और मैं हर फॉर्म को बहुत चाहती हूँ, लेकिन महाराज जी से ज़्यादा किसी को नहीं चाहती, क्योंकि महाराज जी को देख के ही मुझे अपना मार्गदर्शन मिला। मैं 10 साल की थी जब मैंने महाराज जी को नाचते हुए देखा था पुराने किले में, और वो दिन और आज का दिन बस उन्हीं की मुरीद हूँ, उन्हीं के पथ पे चलती हूँ, उन्हीं से सीखा है, और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने महाराज जी जैसे गुरु से सीखा है। महाराज जी से ज़्यादा अच्छा गुरु कोई इस दुनिया में नहीं है। पूछना चाहिए आपसे, मतलब आपकी आप जो फिल्म कर रहे हैं उसके बारे में कुछ बताएंगे? मतलब वो फिल्म की बातें हम यहाँ नहीं करेंगे। मैंने अभी फिल्म मजाज की है और 3 फिल्में और कर रही हूँ, लेकिन फिल्म के बारे में मैं नहीं बात करूँगी। मैं 3-4 फिल्में कर रही हूँ, उसके अलावा मैं और बात नहीं करूँगी, क्योंकि ये कथक का समय है, ये नृत्य का समय है, ये क्लासिकल डांस का समय है, प्लीज। जो फिल्म है उसके बारे में जानना चाहते थे, नहीं अब ये सब यहाँ नहीं होगा। आई एम सो सॉरी, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं फिल्मों के बारे में यहाँ बात नहीं कर रही। बता तो दिया फिल्में कर रही हूँ। हाउ के नंदन इज दैट ऑलराइट है ना?